अपनी तानाशाही के रूप में जो भ्रष्टाचारी योजना चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से लाई गई, जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया को भ्रष्टाचार का बताने वाली, भ्रष्टाचार मुक्ति का नारा देने वाली सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है इस देश की, झूठी पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब वो हिसाब दे रहे हैं, अभी तक वो 70 साल से कांग्रेस का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन 10 साल में 3 साल पहले लाई गई योजना का वो हिसाब नहीं दे पा रहे। SBI कहता है कि हम जून में देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तब उसके बाद वो इस योजना को खुलासा हो रहा है आपके सामने, दिन पे दिन निकल के आ रहा है। ऐसी कंपनियों को चंदा दिया गया जिन्होंने ब्रिज बनाए और ब्रिज गिर गया गुजरात में, ऐसे लोगों की रेमडेसिविर, तमाम इंजेक्शन, तमाम वैक्सीन कंपनियों से लंबी रकम ली गई है, और उसके बाद पार्टी से चंदा लेके उनको बड़े बड़े ठेके दिए गए, जिन कंपनी की आमदनी 10 रुपए थी, जिनका कोई काम नहीं था, उनको फर्जी नाम से कंपनियां बनाकर उनसे पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। आज उनके नंबर भी आ गए हैं, अभी उसका खुलासा और हो रहा है। कानपुर की जनता और प्रदेश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ा गंगा से नहाया हुआ बताती थी, आज उसका पूरा खुलासा हो चुका है, क्योंकि